मध्य प्रदेश के रीवा और सागर में हुई स्कूली बच्चों के साथ दुर्घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और प्रदेश सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रीवा में स्कूली बच्चों के साथ हुई दुर्घटना को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों के साथ कई प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। कहीं स्कूल की छत गिर जाती है, कहीं स्कूलों में पानी भर जाता है और कहीं पेड़ों के नीचे बैठा कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि आखिर 32,000 करोड़ का शिक्षा बजट होने के बाद भी प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल क्यों हैं? पहला राज्य है देश का मध्य प्रदेश, जिसमें पिछले 10 साल में बजट दुगना हुआ। 32,000 करोड़ रुपए का स्कूली बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट है। हम रोज अखबारों में देखते हैं कि किसी स्कूल में पानी भरा रहा है, कहीं नाला गटर पास में स्कूल के है, कहीं डेंगू फैल रहा है, कहीं झाड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, कहीं शिक्षक विहीन स्कूल है। बच्चों की सरकारी हत्या और स्कूली शिक्षा को लेकर श्वेत पत्र मोहन सरकार, मोहन प्यारे जी की सरकार लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।